इसको अगर हम आपके सामने आग लगाएंगे ना, इसको आग नहीं लगेगी। ले जी, ये अली मुगल साहब, ये देखें, ये वायर को आग लगा रहे हैं, आग नहीं लग रही। ये फायर प्रूफ वायर है। क्या बात है अली, इसका रेट जो है ना हम डेली बेस पे निकालते हैं। आज का रेट जो है ना इसका हमारे पास है 9500 रुपया रेट है 500 फुट के लाफे का। यानी वाटरप्रूफ भी हो गई है और इसके ऊपर कोई भी तजाब केमिकल, कोई किसी किस्म का केमिकल डाल लें इसके ऊपर असर अंदाज नहीं होगा। 105 तक ये हीट बर्दाश्त करेगी, -15 तक ठंड भी बर्दाश्त करेगी। सही है, ये खराब नहीं होगी। लाइफ टाइम गारंटी दे के हम ये माल देते हैं लोगों को। उनको कहते हैं जब तक आपकी सांस है या हमारी सांस है तब तक की गारंटी है। ये इसके ऊपर अलहदा से जिस तरह इसको क्या कहते हैं अली मुगल साहब, नायलोन, नायलोन की शीट है और उसके नीचे केबल है। ये देखें, इस तरह की मैंने आज तक तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो। ये इसकी क्वालिटी है केबल की, यानी प्रोटेक्शन भी जो है वो भी आम केबल से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 mm इसका डाया होगा कॉपर का। ठीक है, इसके अंदर 1.5 mm जो है वो आपको मिलेगी 3500 की, और जो इसके अंदर 2.5 mm होगी वो आपको मिलेगी 5800 की। कहते नहीं ओल्ड इज गोल्ड, जी जी ये वो साहब है। सही है, आप किसी भी ब्रेकर को ऐसे रगड़े नीचे से आपको कॉपर नहीं नजर आएगा, ये कॉपर नजर आ रहा है। अच्छा अली मुगल, वेलकम दोस्तों। आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसमें जो केबल इस्तेमाल की जाती है यानी तार, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी की होती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिक्सिंग की गई होती है, जिसकी वजह से आपके वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं। और कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री हो गई, टीवी हो गई, वो वोल्टेज लेती कम है, लेकिन आपकी तार की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो खर्च हो जाती है। तो आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिकल की मार्केट है, बलालगंज मार्केट, उसमें। और यहाँ पर मैं जो पंजाब इलेक्ट्रिकल एंड केबल की शॉप है यहाँ पर मौजूद हूँ। ये इस मार्केट की जो है सबसे पुरानी और बेहतरीन दुकान है। यहाँ पर इम्पोर्टेड माल आपको मिलेगा, और सारे का सारा माल इनका जो है 98% जो है आप कह लें कि वो इम्पोर्ट होता है, लाट का माल होता है, और उसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और इस दुकान के जो ओनर है उनका इंटरव्यू भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, बड़े मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मुलाकात करते हैं अली मुगल साहब से। ये वाइट कॉपर है, फायर प्रूफ, हमारे पास मलेशिया का माल है ये। सही है। अच्छा अली मुगल साहब, इसको आग नहीं लगती? इसको आग नहीं लगती। इसको अगर हम आपके सामने आग लगाएंगे ना, इसको आग नहीं लगेगी। ले जी, ये अली मुगल साहब, ये देखें, ये वायर को आग लगा रहे हैं, आग नहीं लग रही। ये फायर प्रूफ वायर है। क्या बात है अली मुगल साहब, इसकी निस्बत अगर हम और किसी केबल को आग लगाएंगे उसको आग लग जाएगी। अच्छा मुगल साहब, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी प्राइस क्या है ये भी बता दे सर। ये 3 का कॉयल जो है ना आपका बनेगा 3000 का, 7 का आपका बनेगा 6500 का कॉयल, वाइट कॉपर, फायर प्रूफ के अंदर। इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 300 फीट। 300 फीट, सही। 14 नंबर इसे कहते हैं, सारे जो सऊदीया या दुबई काम करके आए हैं। सही है। इसकी लेंथ 500 फीट होती है। सही है। और इसका रेट क्या है जी? इसका रेट जो है ना हम डेली बेस पे निकालते हैं। आज का रेट जो है ना इसका हमारे पास है 9500 रुपया रेट है 500 फुट के लाफे का। यानी कि आपको जो है ना एक कॉइल पड़ रहा है 5800 या 9800 का पड़ रहा है। इसकी ये 5000 इसका कॉइल आपको मिलेगा 2250 रुपये का। सही है। ठीक है, 1 mm इसका डाया होगा कॉपर का। ठीक है, इसके अंदर 1.5 mm जो है वो आपको मिलेगी 3500 की, और जो इसके अंदर 2.5 mm होगी वो आपको मिलेगी 5800 की। हमारे पास ये लाड का ब्रेकर होता है, श्नाइडर कंपनी का, ओल्ड मॉडल है ये। ठीक है, बहरहाल कहते नहीं ओल्ड इज गोल्ड, जी जी ये वो साहब है। सही है। आप किसी भी ब्रेकर को ऐसे रगड़े नीचे से आपको कॉपर नहीं नजर आएगा, ये कॉपर नजर आ रहा है। अच्छा अली मुगल साहब, सारा इसके ऊपर जो है ना सिल्वर की कोटिंग, यानी कि जिसे हम चांदी कहते हैं। सही है। ये भी इम्पोर्टेड है सारे? ये इम्पोर्टेड है। सही है। ये कितने एम्पेयर तक आपके पास मौजूद? ये हमारे पास जितने एम्पेयर का आपको चाहिए, डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल तक हमारे पास होता है। सही है। और इनकी कोई गैस प्राइस बता सकते हैं? फिलवक्त तो इसकी प्राइस जो है ना सिंगल ब्रेकर की 250 रुपया। सही है। ठीक है, तो वक्त के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं है, कहाँ पे जाएगा काम ये कुछ नहीं कह सके। सही है। ले जी, पंजाब इलेक्ट्रिकल एंड केबल के ओनर अली मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके पास जो लाट का माल, इम्पोर्टेड केबल्स हैं, उनकी ये रिव्यू हम करने जा रहे हैं।
तो अली मुगल साहब से बात करते हैं। अली मुगल साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, बीएसएफ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अली मुगल साहब, आजकल वैसे भी बिजली का बड़ा इशू है, लोगों के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं, कुछ ऐसी वायर दिखाएं जिनसे लोगों की जो बिजली के बिल हैं वो भी कम हो जाएं। हम आपको ना, अच्छा सबसे पहले अली मुगल साहब ये बता दें कि आपके पास ये केबल्स आ कहाँ से रही हैं? इसमें से जो है ना तकरीबन 10-15% जो है पाकिस्तानी केबलें भी होती हैं हमारे पास। सही है, जिस तरह के लोकल माल है। सही है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं सिर्फ सस्ता माल लेना है, इसलिए हम हर बंदे के पास एक एक ब्रांड होता है जो कि लोकल का होता है। सही है, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, ये 99 कापर है। इस तरह की कलर का कापर आपको जो है ना, ये जो शहर में जो केबल भेजते हैं 3-7 नती, इस तरह का कलर नहीं आपको मिलेगा कापर का, क्योंकि उसके अंदर मिलावट होती है ब्रास की, यानी कि जिसे हम पंजाबी में पित्तल कहते हैं। सही है, ठीक है। उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है आपकी तारों के ऊपर, आपकी तारें गर्म होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो है ना, वो अगर हीट एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होकर ही हो रही है ना, तो उस वजह से जो आपका हीट एनर्जी पे जो यूज हो रही है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो आपका लाइन लॉसेज होते हैं, ठीक है। अगर आप लाट का माल डालते हैं, वलैती माल डालते हैं, तो आपकी रेजिस्टेंस नहीं होगी कापर के ऊपर, 99 कापर के ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। अच्छा अली मुगल साहब, ऐसा भी इसका मसलन, अगर जो पाकिस्तानी केबल है मेड इन पाकिस्तान है, और आपके पास तो लाट का इंपोर्टेड माल है, तो इसमें और जो पाकिस्तानी केबल है उसमें सबसे बड़ा फर्क आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा फर्क क्या है? उसमें सबसे बड़ा फर्क है कि कस्टमर की जो है ना वो बचत हो जाती है। सही है, ठीक है। वो अगर आपको पड़ रहा है ना 1 लाख का माल पड़ रहा है, तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा भी 70,000 का पड़ेगा आपको माल, उतनी लेंथ उससे बढ़ जाएगी, यानी कि वो आपका 288 फीट का क्वाइल होता है, ये आपका 300 फीट का क्वाइल होता है। सही है, ठीक है। ये एक हमारे पास तार है, इसके ऊपर नायलॉन की शीट होती है। अच्छा, ये शीट का भी फर्क होता है? ये शीट है, इसके ऊपर नीचे प्योर पीवीसी है। अच्छा जी, और ये नीचे कापर है। ये अली मुगल साहब हमें दिखाएंगे, ये आप देखें जी, ये इसके ऊपर अलहदा से जिस तरह इसको क्या कहते हैं अली मुगल साहब, नायलॉन की शीट है, और उसके नीचे केबल है। ये देखें, इस तरह की मैंने आज तक तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो। ये इसकी क्वालिटी है केबल की, यानी प्रोटेक्शन भी जो है वो भी आम केबल से बहुत ज्यादा है। तो इसकी ये जो अंदर है, इसकी क्वालिटी कैसी है अली मुगल साहब, ये भी दिखा दें जरा। ये वाली, ये 99 कापर है। सही है, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्स दे दूंगा। इसके हमने ना जो कापर है ना मेल्ट करवा के ना गन लगवाई हुई है। सही है, इसकी हमने गन लगवाई है, उसकी रिपोर्ट आई है हमारे पास 98.83। सही है, यानी कि 99 से कुछ 2 पॉइंट नीचे है बस। सही है, वो गन के लगने की वजह से यहाँ लाले हमने मेल्ट करवाया, उसकी वजह से कुछ कमी पेशी होगी होगी। सही है, पर ये इसकी ये क्वालिटी है कि इसको आप जहाँ मर्जी टेस्ट करें 99 ही कापर निकलेगा। तो ये क्वाइल कितने का अली मुगल साहब? ये क्वाइल आपको पड़ेगा 7 नती का 5800 रुपए का, यानी कि 5800 का। 5800 का, और इसकी लेंथ कितनी है? 300 फीट। 300 फीट, और जो पाकिस्तान का क्वाइल होता है इसी में उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी होती है 288 फीट। 288, ये 12 फुट उससे ज्यादा है। सही, और क्वालिटी में अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी है, लाइफ टाइम इसकी गारंटी है। अच्छा अली मुगल साहब, ये जो केबल्स आपके पास मौजूद हैं, इनसे ये भी फर्क पड़ता है? बाज़ औक़ात पाकिस्तान में ऐसे होता है कि केबल डैमेज कर जाती है, या उस जो फायर हो जाती है, आग लग जाती है। हाँ जी, ऐसा होता है। वो जो केबल होती है ना जी, कोई भी पीवीसी है उसके अंदर एक ऑयल होता है। सही है, उसे हम डीओपी ऑयल कहते हैं। सही है, जब पीवीसी को पानी लगता है ना, तो वो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जब आपकी वायरिंग अक्सर 4-5 साल बाद शार्ट हो जाती है ना, आपकी वायरिंग जो है उसका कभी कोई दीवार शार्ट होगी, कभी कोई छत शार्ट होगी बारिश होने की वजह से, तो आप लोग कहते हैं यार बारिश हुई है नमी की वजह से हो गई। आप ये देखें, नमी हुई है तो नया मकान बनाया था, तब क्यों नहीं हुआ? अच्छा, इसकी कितने परसेंटेज है? मिसाल के तौर पर अगर मीटर हमें 220 जो है वो वाट दे रहा है, तो ये आगे प्रोडक्ट तक कितने पहुंचाएगा? ये अगर आपके गली मोहल्ले चौक से लेके अगर आपकी बिजली आती है ना, वहां से 220 से 219 रह जाती है जी, ठीक है। तो आपके घर के अंदर भी ये जो कापर अगर 99 होगा, तो फिर वो 219 ही रहेगी, कम नहीं होगी। अच्छा मुगल साहब, ये इसके ऊपर अब ये शीट चढ़ी हुई थी, क्या पीवीसी? इसका नायलॉन का, नायलॉन, इसकी वजह से शायद ये वायर जो है ये वाटरप्रूफ भी हो गई है। ये वाटरप्रूफ भी हो गई है, और इसके ऊपर कोई भी तजाब केमिकल, कोई किसी किस्म का केमिकल डाल लें, इसके ऊपर असर अंदाज नहीं होगा। सही है, 105 तक ये हीट बर्दाश्त करेगी, -15 तक ठंड भी बर्दाश्त करेगी। सही है, ये खराब नहीं होगी, लाइफ टाइम गारंटी दे के हम ये माल देते हैं लोगों को। उनको कहते हैं जब तक आपकी सांस है या हमारी सांस है, तब तक की गारंटी है।
जी अली मुगल साहब की आपने बातें सुन ली हैं, बड़ी बेहतरीन ये मुझे वायर लगी है इसकी, इनकी प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी है। अगर कोई बंदा इनसे मुलाकात करना चाहता है, फिजिकली इनकी दुकान विजिट करना चाहता है, तो अली मुगल साहब जरा एड्रेस बताते हैं हमारे नाज़रीन को अपनी दुकान का। हमारी दुकान गुजरांवाला में बिलालगंज मार्केट शेखपुरा रोड, दुकान नंबर हमारी है 46। ले जी ये अली मुगल साहब का एड्रेस आपने सुन लिया है, इनका नाम और इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको वायर चाहिए, जितनी भी क्वालिटी जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए, यहाँ से आपको हर किस्म की जो वायर है वो आपको मिलेगी। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।